टीवी का जो रीच है वो कहीं नहीं है आज। आप, मैं बहुत वाले फिल्म एक्टर्स जानता हूँ, उनसे ज़्यादा बैंक बैलेंस है टीवी के एक्टर्स के पास। आई डोंट सी टीवी से जो उठ उठ के जा रहे हैं। विक्रांत मासी 12th फेल इज बीन सो सक्सेसफुल एंड ही वॉज फ्रॉम टीवी। थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज आप टीवी इतना कर लेते हो, आप इतना ओवर एक्सपोज हो जाते हो, स्टोरी नहीं अच्छी हो सकती या कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता। मतलब यू कॉन्ट ब्लेम एन एक्टर फॉर दिस। आई थिंक इट्स रिडिकुलस। हाई नमन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। हाय, थैंक यू। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, काफी वक्त के बाद आ रहे हो, क्या कुछ कहना है आपको? डेफिनेटली बहुत लंबे ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, बट हैप्पी टू बी बैक ऑन टीवी एंड हैप्पी टू बी बैक विद मंगल लक्ष्मी। बहुत बड़ा शो है, कलर्स के लिए है, प्राइम टाइम है, वेरी एक्साइटेड। वेल, अगर बात करूँ बीइंग एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर, दोनों में से अगर एक जर्नी आपको चूज करनी होगी तो दोनों में से कौन सा आप चूज करोगे? आई थिंक एक्टर। ओके, एंड हाउ यू केम ऑन बोर्ड, क्या कुछ बताना है? एंड देन अगर बात करो प्रोडक्शन की तो हाउ यू आर मैनेजिंग बोथ द थिंग्स? मैनेजिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट बिकॉज अभी मेरे जितने भी शोज थे उसकी शूटिंग वूटिंग हो चुकी है, तो अब डिलीवरी का टाइम है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। एंड हाउ आई गॉट दिस शो वॉज, अचानक से आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर कि सर ये शो आ रहा है। एंड पहले मैंने मना कर दिया था, मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग दैट टाइम। एंड अगेन आफ्टर 25 days ही कॉल्ड मी, सर एक बार देखो तो सही। तो मैं बैठा हुआ था एंड आई वॉज हैविंग माई टी एंड आई जस्ट वेंट थ्रू द स्क्रिप्ट एंड आई वॉज लाइक यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देन आई मेट द मेकर्स एंड वी हैड अ मॉक शूट, दीपिका थी वहाँ पर, एंड द वाइब दैट आई गॉट फ्रॉम एवरीवन, आई न्यू आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड आई न्यू दिस शो इज स्पेशल। एग्जैक्टली, अगर बात करूँ तो हम काफ़ी सारे एक्टर्स को देख रहे हैं यू नो जो OTT और फिल्मों में जाने के बाद दोबारा से वापस से टेलीविजन करना नहीं पसंद करते, लेकिन आप और आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप कैसे देखते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एक स्मॉल स्क्रीन है ना, यू नो एक लार्ज स्क्रीन, तो हाउ डू यू सी दिस? सी, सबका फेज़ आता है। जब आप टीवी कर रहे हो तो आपको OTT करना होता है, जब आप OTT कर रहे हो तो आप रियलाइज़ होते हो यार लेट मी डू टीवी। OTT में 2 महीने में एक शो की शूटिंग खत्म हो जाती है, देन यू हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो एवरी एक्टर हैज़ देयर ओन उस समय एजेंडा, मतलब आपको क्या करना है। आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन चाहिए, सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको मासेज में नोन होना है या आपको बस वो सिलेक्ट ऑडियंस में नोन होना है, सो आपकी चॉइस है। और ऐसा भी नहीं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, कभी कभी आप चाहते हो बहुत कुछ पर वो नहीं होता, फिर जो आपके सामने आता है वो ले लेते हो। सो टाइमिंग है यार, मतलब यू कांट चूज बेसिकली। बट अगर आपसे पूछे तो आपको क्या चूज करना है, व्हाट यू वांट? सी राइट राइट लाइक आई एम सेइंग राइट नाउ आई आल्सो डोंट नो, जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आए इफ वो आपके सारे क्राइटेरियाज को मीट करता है, डू इट। मतलब अगर मेरे को टीवी में मेरे को भी मतलब अपॉर्चुनिटीज थे, बट वो चैनल इतना अच्छा नहीं था, कभी शो इतना अच्छा नहीं था, कभी बजट्स उतने अच्छे नहीं थे, एवरीथिंग। अगर मेरा चैनल कलर्स मिला मुझे, प्राइम टाइम शो था, फाइनेंशियली इट वाज गुड, सो एवरीथिंग मेट माय क्राइटेरिया, सो आई एम डूइंग इट राइट। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी को काफ़ी छोटे एक्टर्स मानते हैं, भले वो OTT हो या इसको, तो उसको आप क्या कुछ कहते हो कि टीवी के एक्टर्स को इस तरीके से जो कैटेगराइज किया जाता है हमेशा? यार छोटे कैसे मानते हो आप यार, टीवी का जो रीच है वो कहीं नहीं है आज। आप, मैं बहुत वाले फिल्म एक्टर्स जानता हूँ, उनसे ज़्यादा बैंक बैलेंस है टीवी के एक्टर्स के पास। सो आई डोंट सी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ बोथ द इंडस्ट्रीज, आई नो द रियलिटी ऑफ OTT एंड आई नो द रियलिटी ऑफ फिल्म्स एंड आई नो द रियलिटी ऑफ टेलीविजन एक्टर्स हु हैव एंड आई नो द बैंक बैलेंस ऑल्सो। तो कहीं से भी टीवी छोटा नहीं है, एंड इन टर्म्स ऑफ रीच ऑल्सो, पॉपुलैरिटी ऑल्सो, देयर आर सर्टेन टीवी एक्टर्स हु आर, ऑफकोर्स जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट उसके नीचे जो मैक्सिमम क्राउड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। टीवी इज इक्वली गुड राइट। एंड रीचेस की बात करो तो डेफिनेटली टीवी जो है वो ज़्यादा रीच होती है देन OTT या फिर थिएटर्स, लेकिन आपने वेल दोनों मीडियम में काम किया तो यू नो कि टीवी से बॉलीवुड में जाने के टाइम या फिर अगर बात करो तो OTT में जाने के टाइम एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, ये कितना सही या गलत लगता है बीइंग एन एक्टर या जो भी आप देखते हो? अलग तरह का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। लॉट ऑफ गाइज टीवी से जो उठ उठ के जा रहे हैं, विक्रांत मासी 12th फेल इज बीन सो सक्सेसफुल एंड ही वॉज फ्रॉम टीवी। थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज आप टीवी इतना कर लेते हो, आप इतना ओवर एक्सपोज हो जाते हो, एंड वेब का में कॉन्सेप्ट नया है तो उनको फेसेस भी नया चाहिए होता है, फ्रेश चाहिए होता है, सो देयर डिफरेंट टेक्स ऑन इट। ऐसा नहीं कि आप टीवी कर रहे हो तो तुरंत जाके कोई फिल्म कर लोगे, ऑफकोर्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक बिकॉज टीवी में आपको 2-3 साल लोग देख चुके हैं, आपको कैरेक्टर से इतना जुड़ चुके हैं कि उससे अनलर्न करने में, उसे पीछा छुड़ाने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आपको
कॉन्सेप्ट नया चाहिए, आपको टेक नया चाहिए, बट फेसेस वही पुराने तो नहीं लेंगे ना आप, तो आप फेसेस भी नया लेंगे जिससे तुरंत ऑडियंस जुड़े। राइट, एंड बात करूँ मैं मंगल लक्ष्मी की, तो काफ़ी जो है थोड़ा डार्क ग्रे कैरेक्टर है, क्या कुछ कहना है अबाउट द कैरेक्टर? क्या यही यूएसपी थी, दैट्स द रीजन यू डिड दिस शो, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग व्हाट यू हैव नॉट प्लेड येट? एग्जैक्टली, ग्रे कैरेक्टर है बट नेगेटिव नहीं है, एंड बहुत ही रियल कैरेक्टर है, हर दूसरे घर में आपको ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा। एंड फॉर मी ऑफकोर्स चैलेंजिंग था, कुछ नया करने को मिल रहा था, कुछ नया परफॉर्म करने को मिल रहा था, ऑल द राइट रीजन जो मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठता है, इट वॉज देयर इन दिस कैरेक्टर, ब्यूटिफुल शो, एंड आई जस्ट टुक द अपॉर्चुनिटी। राइट, एंड अमन एक और चीज़ है, बीइंग एन एक्टर काफ़ी यू नो सीरियल की बात करूँ तो जब भी स्टार्ट होता है तो आजकल हम देख रहे हैं टीआरपी काफ़ी मैटर करती है सीरियल को लेकर, जो है ग्रैंड लॉन्च होता है लेकिन काफ़ी कुछ कम समय में बंद भी हो जाता है बिकॉज शो इतना जो है चल नहीं पाता या जो भी है, तो एज एन एक्टर जब मेन लीड आप होते हो, फेस होते हो उस शो का, तो वो स्क्रिप्ट जब आती है तो कितना उसमें प्रेशर होता है कि यार ये लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो है एक्टर की गलती नहीं रहती, लोग बट लोग एक्टर को ही यू नो ठहराते हैं उस चीज़ के लिए। आई डोंट थिंक एक्टर हैज मतलब कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स द मेकर्स, इट्स द स्टोरी, एवरी थिंग ऑल टुगेदर। मतलब बहुत अच्छे अच्छे शोज हैं नहीं चले हैं, बहुत ऐसे शोज हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं चल गए, देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, एंड यू कैन नॉट ब्लेम एनी सिंगल पर्सन फॉर दिस। स्टोरी नहीं अच्छी हो सकती या कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता, मतलब यू कॉन्ट ब्लेम एन एक्टर फॉर दिस, आई थिंक इट्स रिडिकुलस। हाउ डू यू सी दिस टीआरपी फैक्टर्स? TRP factors मतलब ठीक है, अब कुछ तो एक क्राइटेरिया होगा जहाँ से आपको टीवी शो जज करना पड़ेगा, एंड आई डोंट ब्लेम इट, आई मीन दैट्स द सिस्टम, इतने साल से वो चल रहा है तो आगे भी चलता रहे, इट्स ओके।